हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सभी को नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो दोस्तों हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है और आज दोस्तों हमारा जो हम चलाउड़िया में थे दोस्तों, तो वहाँ पर जो फूलों की खेती है वो भी हम आपको दिखाते हैं और बाकी जो हमारे जीजा जी हैं उनकी फैमिली से भी हम आपको मिलाते हैं। हमारी ताई की बेटी दोस्तों सबसे बड़ी बहन है हमारी और आज हम उनसे आपको पूरी फैमिली से मिल लाते हैं और मजे दिलाते हैं ब्लॉग्स के। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाते हैं ये शेड बने हैं, ये फूल के बने हैं, कच्चे शेड हैं दोस्तों। ये बांस के बने भाणजी, जैसे आपने ये फूल है ना, कितने के लगा रखे इस बार फूल? इस बार थोड़े ही लगाए हुए, 2500 पौधा ये। अच्छा, 2500 इस बार है। अच्छा, तो बेटा इसमें भी कैसे चल रहा है आपका सीजन? सीजन ठीक है, बढ़िया, रेट भी अच्छे मिल रहे फूल के इस बार। बढ़िया है, मौसम भी ठीक रहा इस बार, बीमारी थोड़ी कम है पिछली साल की अपेक्षा। अच्छा, पिछले साल थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा रहा तो इस कारण फूल में बीमारी बहुत लगी। अच्छा, इस बार थोड़ा ठीक रहा सीजन फूल का, बढ़िया है इस बार। अच्छा, क्योंकि कम बारिश हुई ना? कम बारिश है, थोड़ा ज्यादा बारिश से इसमें ब्लाइट वगैरह ज्यादा लग जाती है। अच्छा अच्छा, तो इस बार ठीक रहा फूल का, चल ही रहे फूल अभी। अच्छा, अब तो मार्केट क्या चल रही है आजकल आपकी? मार्केट वैसे 150 से प्लस है, 160-170-200 तक जा रही है। अच्छा, आज भी 200 तक बिका। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। ये कितना की होगा इसमें वैसे फूल, जैसे आपका जैसे इसमें नॉर्मल 30-40 पेटी तो निकल जाएगी आराम से। ये पिछले साल का लगा हुआ है, पिछला सेकंड हुआ है। अच्छा अच्छा, नया लगा, पिछले साल ही लगा तो इस बार वही रेंट, इसकी गुड़ाई की शेड थे बने हुए हैं तो इसमें इस बार ज्यादा कोई खर्चा नहीं पड़ा इस बार। अच्छा, समझो एक सिस्टम से शीटेबल। अच्छा, पहले वाली थी। अच्छा, सब कुछ दवाई का खर्चा है थोड़ा बहुत। अच्छा, वही है तो आपका यही रहा मतलब? हाँ, तो इसको आप 3 साल भी चला सकते हैं। अच्छा, 3 साल एक बार लगा दिया आपने? हाँ, 3-4 साल जितना आप कर सकते हैं, पर वैसे 2 साल तक चलाते हैं हम तो इसको। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ी एवरेज कम हो जाती है, इस पर फूल का साइज बढ़ना छोटा हो जाता फिर। अच्छा, 2 साल तक तो चलाते ही हम, फिर तीसरे साल के लिए इसी में से जड़ें निकाल दी और दूसरी साइड शिफ्ट कर दी। अच्छा, अपना ही बीज पौधा बनता है इसमें। अच्छा दोस्तों, इस तरह चलता है हमारा फूलों की खेती। और हम थोड़ा बहुत फूल भी दिखा दें, दिखाया अंदर इसमें। अच्छा दोस्तों, हम दिखाते हैं अभी आपको, और जो यहाँ शेड बने हुए हैं दोस्तों, कच्चा शेड है ये, कच्चे शेड है बांस के डंडे के बने हुए हैं ये। हाँ, और हम इसको दिखा रहे हैं आपको। ये वाला भांजा जो आप चलो इसमें चलना दोस्तों, इस तरह से ये खेती चल रही है दोस्तों यहाँ पर। ये हमारे फूल रहेंगे दोस्तों इसमें, मेरे को जान दो। अच्छा, थोड़े शेड हमने अच्छा, ये छोटे बनाए हुए क्योंकि हमारे हवा बहुत तेज है। अच्छा, हवा तेज है यहाँ पे, होती है तो हमने शेड ये छोटे बनाए हुए थोड़े। अच्छा, से अपने से ना तो हवा बहुत तेज चलती है हमारे यहाँ। अच्छा, इस जगह से। अच्छा, तो हो ही रहा इसमें से, भेज भी रहे, चल भी रहा। हाँ, डेली 2-3 पेटी तो जा ही रही है। अच्छा 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 दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे जो चल रहा है इसमें, फूल का भी आपका अच्छा है, टमाटर का भी ठीक है दोस्तों। एक शेड दोस्तों हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं, किस तरह से फूल होते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की बात है, हमारे राजगढ़ क्षेत्र है और सिरमौर है डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हमारा। जो यहाँ पर की खेती है वो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी गणेश पूजा चल रही थी तो गणेश पूजा में अच्छा रेट मिलता है। अच्छा, गणेश चतुर्थी थी दोस्तों, तो इसमें भी बड़ा अच्छा ठीक रेट मिलता है। हाँ, श्रादे आजकल है, आगे अक्टूबर शुरू में नवरात्रि भी शुरू है। अच्छा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, 10-15 दिन चलेगा। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पहुँच चुके साइड में और इस तरह से पहुँचे दोस्तों हम यहाँ पर, और ये शेड रहेंगे हमारे, लंबे लंबे रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। इधर आप देख सकते हैं, ये अंदर फूल होंगे इसके अंदर, और यहाँ सब्जी भी होगी दोस्तों, और ऊपर ये रहेगा दोस्तों यहाँ पर। और ये जगह है दोस्तों बहुत अच्छी लोकेशन में है, थोड़ा सा हम ऐसे भी दिखा देते हैं आपको। और ये है दोस्तों अपने फूल का, यहाँ पे है, बढ़िया है इसमें। और ये रहेगा राउंड अबाउट दोस्तों 2000 पौधा के, 2500 2500 फूल का होगा दोस्तों। और ये इस तरह से जिम्मेदारा चलता है यहाँ पर। तो दोस्तों इस टाइम हमारे जीजा जी हमारे कैमरे पे हैं। तो जीजा जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है जीजू? ठीक, बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है। और क्या बना जीजू आजकल? बस बढ़िया, चला हुआ एग्रीकल्चर का काम चला हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा,
और अपना जैसे चलता है धीमी धारा। अच्छा, और बाकी क्या? अच्छा, रास्ता जीजू हमारा आजकल एग्रीकल्चर में बिजी है हमारे जीजू। और यार जीजू तो बहुत बढ़िया काम है। तो जीजू काम कितना करते हैं आजकल आप? काफी करते हैं जितना हो सके। अच्छा, बेटों की मदद करते हैं? हाँ, सब आदमी इकट्ठे होकर करते हैं, ऐसा थोड़ी अकेले थोड़ी भी करते हैं। हाँ, इकट्ठे होकर करते हैं। हाँ, बच्चे भी हेल्प करते हैं, हम भी हेल्प करते हैं। हाँ, बाकी हमारा ज्यादा ज्यादा पशुपालन पे है। हाँ, ये सही बात है। और बस हाँ, पशु है, बढ़िया है, अपना बकरी का है। हाँ दोस्तों, यार जैसे फ्रेंड्स अगर किसी ने अपने बकरी बकरी लेनी हो, बकरा बकरी, जीजा जी के पास होगी, अवेलेबल ही होगी ना? हाँ, जैसे मर्जी लेनी, जिस नस्ल की लेनी है। अच्छा, तो दोस्तों हमारे जीजा जी के पास आपके पास ये भी मिल सकती है, बकरी हो, बकरे हो, और ये भी मिलता है, पट है, छेले है, जो मर्जी चाहे। हाँ, जैसे जो खाड़ू वगैरह होते हैं, ये खाड़ू भी है, बेटी भी है, जो मर्जी ले लें। अच्छा, जैसे मर्जी, जैसे मर्जी जी। यार आपका जैसे आपका नंबर क्या रहेगा, फोन नंबर का कांटेक्ट करना? 86-795-099-87। दोस्तों आपने नंबर भी सुन लिया होगा हमारे जीजू का। और किसी को भी अगर ये चाहिए तो कांटेक्ट करें, संपर्क करें, संपर्क करें हमारे जीजा जी से, है ना? अच्छा, तो ठीक है यार जीजू, आप है ना, तो ये भी आप ठीक है जीजू, आप बहुत अच्छी बात है कि आप एग्रीकल्चर भी करते हैं और आप ये भी करते हैं, पशुपालन पशुपालन भी करते हैं, ये तो बहुत बढ़िया जीजू है ना। तो ठीक है जीजू, और साथ में दोस्तों हमारी बड़ी दीदी बैठे हैं यहाँ पे। तो बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, ठीक ठाक है बहन जी? ठीक है भाई जी। तो दोस्तों हमारी जो बड़ी सबसे बड़ी दीदी है हमारे घर में, तो ये हमारी बड़ी दीदी रहेंगे, और ताई की बेटी है हमारे। तो हम आज यहाँ पे आए हैं दीदी के घर, आए हैं और जीजू के घर आए हैं दोस्तों, तो हम थोड़ी बाइट भी बना रहे हैं इनके साथ। तो ठीक है जी जी, दीदी आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है भाई जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई काम कुम ज्यादा तो नहीं आपके लिए? नहीं जी, ठीक है। अरे तो बोल दो यार दीदी, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है भाई जी, ठीक है, बड़े अच्छा से ठीक चल रहा है। अच्छा, रास्ता हमारी बहन है, और हम चाहेंगे कि हमारी बहन चलो जी जी इधर। और दोस्तों पोती रह गई जीजा की भैया यहाँ पे। हाँ, मेरी पोती है, पोती है ये, अनवी ठाकुर है ये। अनवी ठाकुर है? अनवी ठाकुर। अरे अनवी ठाकुर, क्या नाम है भैया आपका? अनवी ठाकुर। बताएगी? अनवी ठाकुर पता नहीं क्या खा रही है दोस्तों। और ये है, क्या है? अच्छा दोस्तों, ये इसका नाम, आपका नाम क्या रहेगा भाई? रियांश ठाकुर है, इसको नीचे रखा यार। तो बेटा रियांश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पहली क्लास में। तो आपका स्कूल कहाँ रहेगा? कहाँ स्कूल आपका? मंडिया घाट है। वेरी नाइस, तो रोज जाते हैं स्कूल? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये हमारे, क्या नाम बताया था आपने? रियांश ठाकुर। रियांश ठाकुर है दोस्तों। और इधर अनवी ठाकुर रहेगी हमारी, तो जीजा जी के पोते हैं और पोतियां हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है जीजू, फिर है कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं, बात धन्यवाद। दूसरा, और ये दोस्तों तीसरा बंदा है हमारा ये, और यशपाल के बच्चे हैं दोस्तों ये। यशपाल, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम वेदांश ठाकुर। वेदांश ठाकुर, वेदांश दोस्तों। और ये हमारे यशपाल के दोस्तों दो, दूसरा बेटा है और एक बेटी है। तो बहुत अच्छी औलाद है यशपाल आपके, क्योंकि जैसे बेटे भी मुश्किल होते हैं, बेटियां मुश्किल होती हैं। भाग्य की में जो लिखा है। हाँ, आपको भगवान जी ने छप्पर फाड़ के दिया है, तो काटेंगे। हाँ, तो बहुत बढ़िया है, दो बेटे होंगे और एक बेटी हो गई है। तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये हमारी बहू रानी रहेगी दोस्तों। तो बेटा आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज है। नीरज है दोस्तों, और हमारे यशपाल की वाइफ रहेगी। और बेटा कैसी हैं आप? बढ़िया है मामा जी, आप सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों आज हम आए, तो बेटा थैंक यू सो मच कि आपने खाना भी अच्छा बना रखा था। और दोस्तों हमारी बहू बहुत ध्यान रखती है भैया हमारा। इट्स ओके मामा जी, वेलकम। आप आए, हमें आपसे यही उम्मीद है कि जिस तरह आप हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी बहन और जीजा की आप ऐसे ही ध्यान रखें। और बहुत अच्छा आप आए, हमारे को बहुत खुशी हुई। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे नीरज ठाकुर रहेंगे, और इधर हमारे नीरज भाणजी की वाइफ रहेगी दोस्तों। तो भैया हमारे पास कब आना आपने? दिवाली में। दिवाली में? दिवाली में, पक्का बात है? पक्का। तो दोस्तों हम बाइट फिर दिवाली पे बनेगी हमारी आपके साथ अगली। तो नीरज जी आप आएंगे? हाँ जी मामा जी, बिल्कुल, पक्की बात है ना? हाँ जी मामा जी। तो हम दोस्त इनवाइट करते हैं अपने भांजा और बहू दोनों को कि भाई आप दिवाली पे आए। थैंक यू सो मच बेटा, है ओके। तो ये दोस्तों छोटा सा बच्चा रहेगा यहाँ पर हमारे नीरज ठाकुर और यशपाल का, वेदांश। तो ठीक है नीरज बेटा ना,
अंदर हमारा ये है बाप बेटा दोनों। तो ठीक है भाई, ओके ओके बेटा, ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे आज फूलों की खेती थी उसके मजे लिए होंगे आपने और हमारे जीजा और पूरी फैमिली सीन से मिले होंगे आप। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग के आपने मजे लिए होंगे, तो जो आज का ब्लॉग है मैं से आप समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगे तो आप इससे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हम आपसे कल मिल रहे हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सी फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।